हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑन योर चैनल एडोर कलेक्शन। दोस्तों, कोरोना वायरस का असर हमारे एग्ज़ाम पर भी आ ही चुका है। मैंने अभी सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन देखा जो आप सामने देख रहे हैं। ये है जिसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 मध्य प्रदेश शासन आगामी आदेश आने तक परीक्षा स्थगित की जाती है। परीक्षा की नवीन तिथि वेबसाइट पर जारी की जाएगी। तो दोस्तों, ये जो आप नोटिस देख रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम देखते हैं, और बहुत छोटा सा वीडियो है ये, फटाफट से हम इसका सच और झूठ पता कर लेंगे और हम देखते हैं ये सही है या गलत। चलिए देखते हैं। देखिए, इस बात की सच्चाई हमें कहाँ से पता चलेगी। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी वेबसाइट है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की, अगर ये नोटिफिकेशन आया है तो वहीं से आया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसके होम पेज पर देखते हैं। होम पेज में जो लेटेस्ट अपडेट है वो सिर्फ एक ही है, रिवाइज आर्डर जिसमें लिखा हुआ है फैसिलिटी टू प्रोवाइड टू द हैंडीकैप्स के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी उसके बारे में कोई ऑर्डर है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, और अगर इस तरीके की कोई अपडेट आई होती तो ये हमें लेटेस्ट अपडेट में ही मिलता। फिर भी हम एक बार जो नोटिस वाला पार्ट है वहाँ पे भी देख लेते हैं। जो हमारा पार्ट है एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस का, उसमें देखते हैं। देखिए, यहाँ पर भी कोई भी किसी इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये नोटिफिकेशन जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फेक है। वैसे भी आप सब पहले ही समझ गए होंगे कि ये फेक है, पर फिर भी वो जो 2 दिन के लिए ये गलतफहमी हो रही हो या जिससे डिस्टर्ब हो रहे हों, तो उनको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि इस तरीके की कोई भी न्यूज़ अभी फेक है। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है वेबसाइट पर, पीबी की वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों, ये सब जो अफवाहें आ रही हैं वो कोरोना के चलते हुए आ रही हैं। देखिए, कोरोना से आपको बचाव जरूर करना है, पर कोरोना की वजह से इस तरीके की अफवाहों में नहीं पड़ना है। इससे कोरोना के बारे में आप सब लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कोरोना से डरिए मत, और कोरोना से बस बचाओ। जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, ये जो हमें बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करिए। जैसे ये कि हमारे बार बार अपने हाथों को धोइए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, जहाँ खासकर जब किसी को खांसी छींक या छींक आ रही है तो उससे 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखिए, और अपनी आँखें, नाक और मुंह को छूने से बचें। और जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह पर, नाक को अपने हाथों से या अपने टिश्यू से या अपने किसी कपड़े से जो हैंकी होता है उसे आप कवर करें। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसमें बुखार, खांसी, सांस लेने इन सब में कठिनाई हो, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उनसे आप टच में रहें, और डॉक्टर जो सलाह दे रहा है उसको माने। अभी आपको न्यूज़ में ये भी मिल रहा होगा कि एक्चुअली हम इस तरीके की न्यूज़ के नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, उनकी रिकवरी भी हो रही है, बहुत सारे पर्संस की रिकवरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस मतलब लास्ट ही है, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस से रिकवरी भी हो रही है, बस हमें प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। तो कोरोना वायरस से अपना बचाव करिए और पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि कोई आपकी परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। पता नहीं लोग इस तरीके की अफवाहें क्यों फैलाते हैं, पर अब ये कोई न्यूज़ सही नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को जैसे आप कंटिन्यू कर रहे थे वैसे कंटिन्यू करिए, और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।